स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 हीट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कंडेंसेशन कन्वेक्शन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.9, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। फिगर 4.10, डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। आपको क्या करना है, कैंडल लेना है, उसको बर्न, उसको जला देना है। एक हाथ आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर रखना है और एक हाथ कैंडल के फ्लेम के साइड में रखना है। क्या आपको दोनों ही हाथ में इक्वल अमाउंट की हॉटनेस आपको महसूस हो रही, गर्माहट महसूस हो रही है? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। अगर नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ में बराबर हीट नहीं लग रही, तो ऐसा क्यों है और आपको दोनों हाथ में इक्वली हीट क्यों नहीं लग रही है? ये देख सकते हैं, फिगर 4.10, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। जो एक हाथ है कैंडल के फ्लेम के साइड में रखा और एक कैंडल के फ्लेम के ऊपर रखा गया है। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। हमने पढ़ा था कन्वेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ हवा के थ्रू गर्म होती है ना। नीचे से जो भी चीज़ होती है वो हॉट होती है, फिर बाद में ऊपर जाके गर्म होती है। Therefore, the hand above the flame feels hot. इसीलिए जो हैंड है फ्लेम के ऊपर वाला ज़्यादा गर्म होगा। On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. ठीक है, इसीलिए साइड का जो हाथ है वो आपको कम गर्म लगेगा as compared to जो ऊपर वाला हाथ है। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena during the day. ठीक है, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर बहुत समुद्र के इलाके में के पास जो रहते हैं लोग, वो बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस करते हैं, एक फिनोमेना होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। आपने देखा होगा जो दिन के समय क्या होता है, जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। जो हवा होती है वो लैंड की ऊपर की, वो जल्दी गर्म होती है और ऊपर उड़ जाती है। द कोलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट इट्स प्लेस। अब क्या होता है, जो गर्माहट है वो ऊपर चली, गर्म हवा थी वो ऊपर चली गई और जो सी की जो ठंडी हवा थी वो लैंड की ठंडी गर्म हवा ले लेगी। द वॉर्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कम्प्लीट द साइकिल। ठीक है, ये साइकिल जो है, जैसे हमारी ज़मीन की जो गर्म हवा है वो ऊपर चली गई, ठीक है, जो सी की गर्म हवा है वो इधर लैंड पे आ गई, तो मतलब ये साइकिल जो है कम्प्लीट साइकिल चलता रहता है। ठीक है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। जो हवा, जो ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ आती है उसे सी ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू द फेस द सी। एट जो आपने जो कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, जो भी समुद्र की तरफ खिड़कियाँ बनाई, जो घर की खिड़कियाँ बनाई जाती है वो ज़्यादातर समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं। एट द नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। जो रात में के समय क्या होता है, एकदम उल्टा ही हो जाता है। रात में लैंड क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है और जो सी होती है वो बहुत देर से ठंडी होती है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। ठीक है, पानी जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, सॉरी, जो पानी है वो थोड़ा लेट ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। जो ठंडी हवा होती है लैंड की, वो सी की तरफ जाती है गर्म हवा की तरफ। ठीक है, तो जो गर्म हवा है हमारी सी की, लैंड की तरफ आएगी और लैंड की हवा सी की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, हमारा लैंड ब्रिज बनेगा। इसे हम और अच्छे से सब समझेंगे अभी जब हम डायग्राम दिखाएंगे आपको। When we come out in the sun, we feel warm. जैसे हम सन की तरफ आते हैं तो हमें बहुत गर्माहट सी लगती है। How does the heat from the sun reaches us? अरे एक बार बताओ, जैसे हम धूप के कॉन्टैक्ट में आते हैं, सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, हमें गर्मी लगती है, तो एक बार बताओ सन की जो गर्माहट है वो हमारे तक कैसे आती है? It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in the most पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब एक बात बताइए, जो सन की गर्माहट है वहाँ पर ना कोई कंडक्शन चल रहा है, ना ही कोई जो सन है उसकी जो रेज हमारे तक आ रही हैं, हमारे पास ना ही सन के पास कोई कंडक्शन चल रहा है, ना ही कोई कन्वेक्शन चल रहा है, तो हमारे पास आती कैसे है? क्योंकि सन से और हमारे बीच में सिर्फ और एक ही मीडियम है, वो कौन सा मीडियम है? एयर है एक मीडियम। ठीक है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हमारे पास सन की जो गर्माहट है हमारे तक पहुंचती है, क्योंकि हमारे और सन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एयर है जो हमारे तक गर्माहट लेके आती है। ठीक है, जो सन की जो रेज है, जो सन की रेज की जो गर्माहट है वो जो हमारे तक आती है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू आती है? वो रेडिएशन के थ्रू आती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफ़र होता है हीट का रेडिएशन के थ्रू, उसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक्स प्लेस
वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, ये कभी भी प्रेजेंट हो सकती है, चाहे आप उसे मीडियम दो, हवा हो या ना हो, तब भी ये आपको गर्माहट देगी, सन की अगर गर्मी है वो आपके तक पहुँचेगी पहुँचेगी. फैन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. जब हम रूम हीटर के आगे बैठते हैं तो हमें गर्माहट लगती है ना, तो इसी प्रोसेस की वजह से लगती है, रेडिएशन के थ्रू ही लगती है. आ हॉट यूटेंसिल्स कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन. जैसे आप गर्म बर्तन को नीचे रखते हो फ्लेम में से उतार के नीचे रखते हैं तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है तुरंत. कैसे ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन के थ्रू जो अपनी गर्माहट है, जो हमारा सरफेस सराउंडिंग है वो ठंडी एयर है, और जो हमारा वेसल है वो गर्म है, तो रेडिएशन के थ्रू अपनी गर्मी जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देता है. किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू. आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन. जो हमारी शरीर की गर्मी है, जो हमारी बॉडी की जो गर्मी है, वो भी सराउंडिंग से हम रिसीव करते हैं. क्यों? हमें गर्म कैसे लग रहा है? सराउंडिंग, अगर हमारे आसपास का वातावरण गर्म है इसलिए हमें गर्म लग रहा है, ठीक है. तो गर्म कैसे लगता है? वो रेडिएशन जो हमें मिलती है वो हीट की वजह से मिलती है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. जो जितनी भी गर्म बॉडी होंगी, चाहे वो आपका गर्म बर्तन हो, चाहे आपका गर्म शरीर हो, जैसे कि बुखार वगैरह आ जाता है, फीवर वगैरह आ जाता है, तो हमारे बॉडी में से हीट निकलती है ना, तो वो हम रेडिएशन के थ्रू हम हीट को महसूस करते हैं. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड अ पार्ट ही इज़ अब्सॉर्ब्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड. एक गर्म बर्तन लिया या फिर जहाँ पर भी गर्मी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे गर्म चीज़ पहुँचती है तो कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेती है गर्म चीज़ और कुछ वो ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ द हीट. जो टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो गर्म कब लगता है? जब वो जितनी ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करती है. Why you are advised to use an umbrella when you go out in the sun? हमें क्यों बोला जाता है कि आप अम्ब्रेला यूज़ करिए गर्मी में बाहर जाते समय? क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेला लेते हैं हम, वो क्या करता है, जितनी हमने ज़्यादा तो देखा है, जो चीज़ ज़्यादा गर्माहट ऑब्जर्व करेगी उतना ही वो क्या करेगी, ट्रांस, और उतनी ही हमें गर्म लगेगी. जैसे हम फ्लेम के ऊपर बर्तन रखते हैं तो हीट दे रहे हैं हम उसे, कितना ज़्यादा वो, अगर बर्तन जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट को उतना ही ज़्यादा हमें गर्म लगेगा, ठीक है. तो आप समझ गए होंगे, रेडिएशन के थ्रू हमें गर्माहट मिलती है सन की. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. अब मैं आपको इस प्रोसेस को इसके थ्रू समझाती हूँ. डे टाइम में क्या होता है, हमारी जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जो सी वाटर है वो क्या होता है, लेट से गर्म होता है. तो जो लैंड का जो गर्म वाटर, गर्म हवा है वो क्या करती है, जो लैंड की जो गर्म हवा है, हॉट एयर है, वो कहाँ जाती है, सी की तरफ जाती है, क्योंकि सी में क्या होती है, ठंडी हवा है. तो ठंडी हवा जो सी की, वो लैंड की तरफ आती है, और गर्म हवा सी लैंड की, वो सी की तरफ जाती है. तो यानी कि सी की ठंडी हवा, लैंड की गर्म हवा, तो ये दोनों साइकिल बना रहे हैं. तो कौन सी साइकिल बनती है दिन के समय? हमारी सी ब्रिज बनती है. जो चीज़ ठंडी होगी वही चीज़ हमारी ब्रिज बनाएगी. यानी कि इस समय ठंडा क्या चीज़ है, रिवर है हमारी, सी है ठंडी, इसलिए हमारी कौन सा ब्रिज बनती है, सी ब्रिज बनती है दिन के समय, ठीक है. अब रात के समय क्या होता है, हमारी लैंड ठंडी हो जाती है और सी जो है वो लेट ठंडी होती है. तो क्या होता है, जो लैंड है वो ठंडी है और जो हमारी समुद्र का पानी है, सी वाटर, वो क्या, गर्म है. तो क्या होता है, ठंडा हवा से गर्म की तरफ जाता है, ठीक है. गर्म हवा ठंडे की तरफ आती है, हर एक चीज़ देखा होगा, गर्म चीज़ होती है वो ठंडे की तरफ आती है. तो ठंडी जो गर्म हवा है हमारी लैंड सी की, वो कहाँ जाएगी, आपकी लैंड की तरफ जाएगी. तो ये एक साइकिल बन रही है. अभी इस समय कौन सी चीज़ ठंडी है, हमारी लैंड ठंडी है. तो कौन सा ब्रिज बनेगा, लैंड ब्रिज बनेगा. लैंड ब्रिज कब बनता है, नाइट के समय बनता है. तो देखा होगा जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर रात के समय लैंड में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं और दिन के समय समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आती है. इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर समय ये साइकिल जो होती है हमारी, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलती रहती है. इसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही सूटेबल होता है, बहुत अच्छा होता है.